प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिवों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। राजधानी जयपुर में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता है, तो वहीं साथ ही जोधपुर से लगातार पॉजिटिव केस अधिक संख्या में आ रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे न्यूज रूम, जहां पर हमारे संवाददाता लोकेश ओला मौजूद है। जी लोकेश, लगातार पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है, जयपुर के साथ साथ जोधपुर भी एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। जी बिल्कुल, लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती जा रही है और आज प्रदेश में 58 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और उनको मिलाकर अब तक जयपुर के साथ साथ प्रदेश में 2642 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। बात करें तो जयपुर में आज 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिनको मिलाकर अब 921 कोरोना पॉजिटिव जयपुर में आ चुके हैं। जोधपुर में आज 18 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और उनको मिलाने के बाद में जोधपुर में भी 528 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। और ऐसे ही बात करें तो अजमेर में भी आज 11 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और उसके बाद में वहाँ पर जो 161 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। कोटा की बात करें तो कोटा में भी 7 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं और वहाँ पर भी 204 कोरोना पॉजिटिव अब तक सामने आ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में भी आज 7 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, हालांकि चित्तौड़गढ़ में पहले नहीं थे और बीते पिछले 5 से 6 दिन में लगातार कोरोना पॉजिटिव सामने आ रहे हैं और वहाँ पर भी अब तक जो 26 कोरोना पॉजिटिव चित्तौड़गढ़ में है वो सामने आ चुके हैं। आज बात करें राजसमंद में भी 1 कोरोना पॉजिटिव सामने आया है और वहाँ पर भी पहले एक और अब एक और आने के बाद 2 कोरोना पॉजिटिव की संख्या हो चुकी है। इस तरह से बात करें तो प्रदेश के 29 जिलों में कोरोना के जो पॉजिटिव केस हैं अब तक सामने आ चुके हैं। और इसी को लेकर जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी जिलों के, यानी बात करें तो सभी राज्यों के जिलों को रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन में बांटा गया है, जिनमें बात करें तो प्रदेश के 8 जिले हैं जिनको जो रेड जोन में शामिल किया गया है, उसमें है जयपुर, जोधपुर, कोटा, नागौर, अजमेर, भरतपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़। ऐसे में 8 जो जिले हैं जिनको रेड जोन में शामिल किया गया। इसी तरह 19 जिलों को जो ऑरेंज जोन में शामिल किया गया। इसी तरह 6 जिले ऐसे हैं जहां पे ग्रीन जोन में शामिल किया गया, जिनमें से 4 ऐसे जिले जहां एक भी कोरोना पॉजिटिव सामने आया है। साथ ही साथ बीकानेर और बात करें चूरू की तो वहां पे भी अभी एक्टिव एक भी केस सामने नहीं है। ऐसे में उन 6 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया। ऐसे लगातार जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की मॉनिटरिंग रही है और प्रदेश के चिकित्सा मंत्रालय की जो मॉनिटरिंग रही है, उसी के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ जो कोरोना पर काबू पाने की जो दूसरे लॉकडाउन के दौरान जो कवायद थी वो कहीं ना कहीं कामयाब होती जा रही है। लेकिन बात करें तो जोधपुर में बीते दिनों से लगातार कोरोना के पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। आज 14 कोरोना पॉजिटिव सामने आने के बाद में वहां पर भी 528 संख्या हो चुकी है। हालांकि बात करें तो दूसरे लॉकडाउन के बाद में लगातार पहले लॉकडाउन के दौरान जो ग्राफ बढ़ता जा रहा था वो दूसरे लॉकडाउन के बाद में घटता हुआ नजर आ रहा है, जो एक अच्छी खबर कही जा सकती है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि जो कोरोना पॉजिटिव जहां पे आ रहे थे, उसी तरह से कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रिकवरी रेट काफी अच्छी देखने को मिल रही है, लगभग 30% के आसपास जो आंकड़ा है वो रिकवरी रेट का देखने को मिल रहा है। 2600 के आसपास पॉजिटिव केस आए थे, उनमें से लगभग 1000 के आसपास रिकवर हो चुके हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, अच्छी खबर निकल कर के आ रही है राजस्थान से कि लगभग 30% लोग रिकवर हो चुके हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है कि जो चिंता की लकीरें, बहुत बड़ी जो चिंता थी कोरोना को लेकर, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि अब तक 983 यानी कि 1000 के करीब जो पॉजिटिव केस थे वो नेगेटिव हो चुके हैं। साथ ही साथ बताना चाहूँगा 644 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, उसमें सबसे अधिक जो संख्या है जयपुर में, यानी कि जयपुर में पॉजिटिव की संख्या भी अधिक है तो डिस्चार्ज करने वाले और नेगेटिव रिपोर्ट होने वाले की भी संख्या अधिक है। जयपुर में अब तक 321 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, साथ ही 249 को इनकी डिस्चार्ज कर चुके हैं। इसी के साथ में जो जोधपुर की बात करें, जोधपुर में अब तक जो 528 कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उनमें से 120 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है और 100 को डिस्चार्ज कर दिया गया है, वो भी एक अच्छी खबर जोधपुर के लिए कही जा सकती है। इसी तरह बात करें भरतपुर में 111 अब तक कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, उनमें से 85 की रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, जो एक अच्छी खबर है। जो अधिकतर जो हॉटस्पॉट बयाना क्षेत्र था जहां पे अधिक संख्या में पॉजिटिव केस आए थे, उसी में से अधिकतर 73 के करीब जो पॉजिटिव केस है वो नेगेटिव हो चुके हैं, यानी कि बयाना हॉटस्पॉट के जो अधिकतर जो मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं, जो एक अच्छी खबर भरतपुर के लिए कही जा सकती है। इसी तरह बात करें बीकानेर और चूरू और बीकानेर में अभी एक भी एक्टिव केस नहीं है, यानी कि चूरू में 37 केस आए थे और माफी चाहूंगा चूरू में 14 केस आए थे और बीकानेर में 37 केस आए थे, तो बीकानेर में एक की मौत हुई थी और जो 36 थे उनको डिस्चार्ज कर दिया गया, यानी कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। चूरू में भी 14 के 14 नेगेटिव हो चुके, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया गया, वो भी एक अच्छी खबर कही जा सकती है। और उन्हीं दोनों जिलों को जो पहले ग्रीन जोन और या बात करें तो रेड जोन और ऑरेंज जोन में थे, उनको अभी ग्रीन जोन में शामिल कर
लिया गया है बीकानेर और चूरू को, जो एक प्रदेश के लिए अच्छी खबर है। यानी कि अब छह जिले ऐसे हैं जहां पे एक भी कोरोना के पॉजिटिव केस नहीं है, जो प्रदेश के लिए और बात करें तो प्रदेश की जनता के लिए, सरकार के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। और उसी के आधार पर जो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा विभाग की जो टीमें हैं लगातार काम कर रही है। जहां जहां अभी भी हॉटस्पॉट यानी कि जो 8 जो ग्रीन जोन में जो जिले शामिल किए गए हैं, वहां पर पूरी मुस्तैदी से जो चिकित्सा विभाग की टीमें हैं वो लगी हुई है। बिल्कुल लोकेश, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जो टेस्ट की जो रेट है वो बढ़ाई गई है या कम है? जो टेस्ट किए जा रहे हैं वो किस प्रकार से किए जा रहे हैं? क्या पहले की तरह ही टेस्ट किए जा रहे हैं या उनकी संख्या में बढ़ोतरी की गई है? जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा जिस तरह से चिकित्सा विभाग ने एक दावा किया था कि हम 10,000 तक प्रतिदिन जो जांच क्षमता है वो बढ़ाएंगे, और उसी का जो नतीजा ये निकल के सामने आया कि अब तक 1,08,000 के करीब सैंपल लिए जा चुके हैं, और उनमें से तकरीबन 4,000 के लगभग सैंपल ऐसे हैं जिनकी अभी रिपोर्ट होना बाकी है। वरना उसके अलावा बात करें तो 1,04,000 के करीब टेस्ट अब तक हो चुके हैं, उनमें जो एक बड़ी संख्या है यानी कि राजस्थान में सबसे अधिक जो जो कोरोना के टेस्ट है वो राजस्थान में किए गए हैं। देश में सबसे अधिक जो संख्या है कोरोना टेस्ट की वो राजस्थान में, तो उसमें भी लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। और जांच कैपेसिटी की बात करें तो अब तक जो प्रदेश में 8,000 से अधिक इनके जो प्रतिदिन जांच के जो सैंपल टेस्ट है वो कर सकते हैं, यानी कि जांच कैपेसिटी भी लगातार बढ़ाई जा रही है। और एक ही हफ्ते में यानी कि बात करें तो या तो इस हफ्ते के अंत में या फिर अगले हफ्ते के शुरुआत में ही जो 10,000 की जांच कैपेसिटी क्षमता है वो प्रदेश में बढ़ जाएगी, जो एक अच्छी खबर है। चिकित्सा विभाग की ओर से जो इनिशिएटिव किया गया था या फिर जो कोशिश की जा रही थी कि जांच कैपेसिटी अधिक से अधिक हो, और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने जिस तरह से निर्देश दिए थे कि प्रदेश में जांच कैपेसिटी बढ़े और हर जिले में कोरोना की जांच सुविधा हो, बिल्कुल लेकर भी लगातार जो प्रयास किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला, जिन्होंने अपडेट दी पूरे प्रदेश में किस प्रकार से पॉजिटिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है, तो साथ ही रिकवरी रेट भी राजस्थान में बढ़ती जा रही है, जो कि एक अच्छी खबर पूरे प्रदेश के लिए मानी जा सकती है।